आज से 33 साल पहले ये 21 मई 1991 की ही बात थी जब धनु नाम की सुसाइड बॉम्बर महिला ने राजीव गांधी को माला पहनाने के जस्ट बाद बटन दबाकर ऐसा खतरनाक बम ब्लास्ट किया कि देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ साथ आसपास के 15 लोगों की भी हत्या हो गई। असल में हुआ ये था कि राजीव गांधी की हत्या से 6 घंटे पहले यानी 4 बजे श्रीलंका में लोकेटेड जो इंडियन एम्बेसी थी उसमें एक अननोन कॉल आया और कॉल करने वाले ने पूछा कि क्या राजीव गांधी अभी भी जिंदा हैं। हालांकि राजीव गांधी जिंदा भी थे और आने वाले इलेक्शन के लिए देश भर में रैलियां भी कर रहे थे। इस अननोन कॉल के 2 घंटे बाद यानी शाम को 6 बजे राजीव गांधी विशाखापट्टनम की एक इलेक्शन रैली से फ्री होकर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे ताकि चेन्नई के पास श्री पेरम्बदूर में होने वाली एक और रैली को अटेंड कर सके। अब जैसे ही राजीव गांधी विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर पहुंचे तो पायलट ने उन्हें बताया कि वो अभी फ्लाई नहीं सकते क्योंकि एयरप्लेन के कम्युनिकेशन डिवाइस में कुछ खराबी है। जितनी देर कम्युनिकेशन डिवाइस सही किया जा रहा था उतनी देर राजीव गांधी वहीं एयरप्लेन के पास बैठे रहे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बहुत ज्यादा लगने लगा वैसे ही राजीव गांधी वहां से चल पड़े। आज अटैक वाले दिन यानी 21 मई 1991 को राजीव गांधी ने ये डिसाइड किया कि वो विशाखापट्टनम में ही सरकारी गेस्ट हाउस में रुकेंगे। अपनी टीम के साथ राजीव गांधी का काफिला कुछ ही दूरी तय कर पाया था कि तभी एक पुलिस ऑफिसर बाइक से राजीव गांधी की कार का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर में उसने राजीव गांधी की कार को रुकवाकर उनको बताया कि एयरप्लेन ठीक हो गया है, अगर आप चेन्नई जाना चाहते हैं तो एयरप्लेन आपका वेट कर रहा है। ये सुनते ही राजीव गांधी ने तुरंत यू टर्न लेकर अपनी कार को इतनी तेजी से दौड़ाया कि उनकी टीम पीछे ही रह गई और बताया जाता है कि वो हवाई जहाज में बैठकर चेन्नई के लिए रवाना भी हो गए। यहाँ ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि अरे ये कैसा प्रधानमंत्री है जो खुद ही गाड़ी भगा रहा है और वो भी इतनी तेज। तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि राजीव गांधी ड्राइविंग और फ्लाइंग को लेकर काफी पैशनेट थे। सोर्सेस हैं कि वो अपनी गाड़ी खुद ही चलाते थे और इतनी ज्यादा स्पीड से भगाते थे कि कई बार उनकी सिक्योरिटी टीम तक पीछे रह जाती थी। कहीं जाते थे तो एयरप्लेन भी खुद ही उड़ा लिया करते थे। असल में राजीव गांधी एक ट्रेंड पायलट थे जिन्होंने साल 1970 में इंडियन एयरलाइंस में 5,000 रुपए पर मंथ सैलरी पर जॉब भी की थी और वो मोस्टली दिल्ली जयपुर रूट पर फ्लाई किया करते थे। खैर शाम 8:20 पर राजीव गांधी चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड कर जाते हैं और कांग्रेस वर्कर्स वहां पर उनका बढ़िया वेलकम करते हैं। इन सभी वर्कर्स में से बस एक इस लेडी को याद रखना, इनका नाम मरागतम चंद्रशेखर था। ये कांग्रेस पार्टी से थी, ये फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और इस रैली में राजीव गांधी को इन्होंने ही होस्ट किया था। इसके बाद एम्बेसडर कार से राजीव गांधी मरागतम के साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी श्री पेरम्बदूर में एक इलेक्शन रैली को एड्रेस करने के लिए निकल जाते हैं। अभी चेन्नई एयरपोर्ट से राजीव गांधी का काफिला निकला है जो कि यहां से लगभग 33 किलोमीटर दूर श्री पेरम्बदूर के इस ग्राउंड तक आना है। हाँ वही इलेक्शन रैली ग्राउंड जिसमें राजीव गांधी की एक सुसाइड बॉम्बर के द्वारा हत्या होने वाली है। राजीव गांधी के इस ग्राउंड में पहुंचने से पहले चलो हम इस ग्राउंड के लेआउट को समझने के साथ ही ये भी देख लेते हैं कि राजीव गांधी कहां कहां से होकर जाने वाले थे और क्या क्या करने वाले थे। ये वो पूरा ग्राउंड है जहां इलेक्शन रैली ऑर्गेनाइज्ड की गई है। इस ग्राउंड में यहां पर वो स्टेज है जहां से खड़े होकर राजीव गांधी लोगों को संबोधित करेंगे। स्टेज तक चलकर आने के लिए बीच में ये रेड कार्पेट एरिया है। स्टेज के पास ही रेड कार्पेट एरिया के इस तरफ ये लेडीज सेक्शन है और स्टेज से कुछ दूरी पर रेड कार्पेट एरिया के अपोजिट डायरेक्शन में यहां पर ये वो सेक्शन है जहां राजीव गांधी के स्वागत के लिए लोग खड़े होने वाले हैं। इस स्टेज के बिल्कुल सामने 100 मीटर की दूरी पर ये राजीव गांधी की मां यानी इंदिरा गांधी की ये बड़ी कार्डबोर्ड वाली मूर्ति है। ओवरऑल इस प्रोग्राम की प्लानिंग कुछ इस तरीके से की गई है कि जब राजीव गांधी यहां पहुंचेंगे तब सबसे पहले वो इंदिरा गांधी की मूर्ति को माला पहनाएंगे, उसके बाद इस बैम्बूज की बैरिकेडिंग के बीच मौजूद इस रेड कार्पेट एरिया में उनका वेलकम किया जाएगा। आफ्टर दिस वो सीधा मंच पर जाकर भीड़ को एड्रेस करेंगे। याद है मैंने आपको एक लेडी मरागतम के बारे में बताया था जो राजीव गांधी को इस रैली में होस्ट कर रही है और उनके साथ उन्हीं की गाड़ी में इस रैली ग्राउंड की तरफ आ रही हैं। उन्हीं का एक असिस्टेंट था जिसका नाम था एजे डॉस और इस इलेक्शन रैली के पूरे अरेंजमेंट और प्लानिंग की जिम्मेदारी एजे डॉस की ही थी। अब डॉस की प्लानिंग के अकॉर्डिंग यहां रेड कार्पेट एरिया के पास टोटल 21 लोग राजीव का वेलकम करेंगे जिसमें से ये 3 लोग माला पहनाएंगे और ये 18 कांग्रेस कार्यकर्ता और पत्रकार राजीव से मिलेंगे। ये सब कुछ डिसाइडेड था लेकिन लास्ट मोमेंट पर मरागतम की बेटी की रिक्वेस्ट पर इस औरत और इसकी बेटी को भी इस एरिया में रहकर एक्स पीएम राजीव गांधी से मिलने की परमिशन दे दी जाती है। यहां आपको बता दूं कि इस बच्चे का नाम कोकिला है जो कि आज राजीव गांधी को एक कविता सुनाएगी। इस बात पर भी ध्यान दो कि उस दिन चेन्नई में राजीव गांधी के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफी अच्छे थे क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि एक्स पीएम उस ड्यूरेशन में कई टेररिस्ट ग्रुप्स के टारगेट पर ऑलरेडी थे। अब एक बार यहां के सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी देख लेते हैं। इस पूरे एरिया की सिक्योरिटी के लिए आईपीएस ऑफिसर आर के राघवन के नेतृत्व में यहां पर 300 पुलिस वाले तैनात हैं। रेड कार्पेट एरिया में राजीव गांधी से मिलने वाले इन 23 लोगों पर नजर रखने और इनकी मेटल डिटेक्टर से थोरोली चेकिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की है। इस सब इंस्पेक्टर को तलाशी के बाद डिसाइड करना था कि ये लोग राजीव गांधी के वेलकम के लिए इस रेड कार्पेट एरिया में खड़े हो सकते हैं या नहीं। अभी रात के 9:30 बज रहे हैं। राजीव गांधी को देखने के लिए यहाँ भारी भीड़ जमा हो चुकी है और सभी उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि आज इस भीड़ में 5 लोग ऐसे भी हैं जो नहीं होने चाहिए थे,
जिनका सिर्फ एक मकसद है, कैसे भी करके राजीव गांधी की हत्या करना। इन पांचों में से तीन लेडीज हैं और दो जेंट्स हैं। दोनों जेंट्स यानी कि ये शिवराजन और हरिबाबू पत्रकारों के भेष में इस वेलकम सेक्शन एरिया में खड़े हुए हैं। तीनों की तीनों लेडीज यानी नलिनी, धनु और शोभा यहाँ वेलकम सेक्शन एरिया के साइड में खड़ी हुई है। इन तीनों में से नलिनी तो इस साजिश में सिर्फ एक हेल्पर है। दिक्कत वाली बात थी इन दोनों की। ये दोनों धनु और शोभा सुसाइड बॉम्बर्स हैं। इन्होंने अपने कपड़ों के नीचे बॉम्ब जैकेट पहनी हुई है जो इन बटन्स की मदद से ब्लास्ट होने वाली है। अब धनु और शोभा को किसी भी तरह इस रेड कार्पेट एरिया में खड़े हुए लोगों में शामिल होना था, क्योंकि ये 23 लोग ही हैं जो राजीव गांधी के बिल्कुल पास जा सकेंगे। इसलिए ये दोनों फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स यहाँ आना चाहती हैं ताकि ये राजीव गांधी को अपने साथ उड़ा सकें। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद शिवराजन और हरिबाबू इनका नाम राजीव गांधी के स्वागत करने वालों की लिस्ट में नहीं जुड़वा पाते हैं। इससे ये शोभा और नलिनी स्टेज के सामने बने इस लेडीज सेक्शन में जाकर बैठ जाती है। पर धनु अभी भी मौके की तलाश में थी कि कैसे भी करके रेड कार्पेट एरिया में एंट्री मिल जाए। इसी बीच अचानक से यहाँ काफी ज्यादा लोग एक साथ आकर डॉस से जिद करते हैं कि उनका नाम भी इस लिस्ट में ऐड करो ताकि वो भी राजीव गांधी से मिल सके। इससे यहाँ रेड कार्पेट एरिया के आसपास अचानक अफरा तफरी सी मच जाती है। इस वेलकम सेक्शन को भी आगे इस वीडियो में रेड कार्पेट एरिया से रेफर किया गया है। इस मौके का फायदा उठाकर धनु जल्दी से इन माँ बेटी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। हालांकि पुलिस इस भीड़ को यहाँ से हटाती है, लेकिन धनु पर अब भी किसी का कोई शक नहीं होता। ये यही रेड कार्पेट एरिया में खड़ी रहती है। इसी बीच जल्दी से डॉस स्टेज की ओर दौड़ता है और स्टेज पर पहुंचकर माइक से अनाउंस करता है कि राजीव गांधी यहां पहुंचने वाले हैं। तभी राजीव गांधी के काफिले की ग्राउंड में एंट्री होती है। अब राजीव गांधी ने इंदिरा गांधी की स्टैचू पर माला पहनाई और मंच की ओर आने लगते हैं। जब राजीव रेड कार्पेट एरिया में पहुंचे तो इन लोगों ने इन्हें चादर उड़ाकर इनका स्वागत किया। मरागथम ने राजीव से पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं को भी मिलवाया। अब आदमियों से मुलाकात के बाद राजीव इन तीन लेडीज से मिलने के लिए आगे बढ़े। इनमें से इस बच्ची यानी कोकिला ने राजीव गांधी को कविता सुनाई। तभी यहां लोगों की भारी भीड़ पुलिस के सुरक्षा घेरे को तोड़कर राजीव गांधी से मिलने आ जाती है। इससे राजीव गांधी को एक सिक्योरिटी ऑफिसर यहां से जल्दी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन राजीव गांधी ने तमिल लोगों को देखकर उनके बीच रहने का और उनसे मिलने का ही फैसला किया। इस धक्का मुक्की में सुसाइड बॉम्बर धनु काफी पीछे चली जाती है। अब धनु एग्रेसिवली राजीव गांधी तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी सब इंस्पेक्टर अनुसुईया धनु का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने से रोक लेती है। अब राजीव गांधी ये देखकर सब इंस्पेक्टर अनुसुईया को इशारा करते हैं कि धनु को आने दो। अगले ही पल राजीव गांधी की मौत यानी कि धनु उनके सामने खड़ी थी। अब धनु राजीव गांधी को चंदन की माला पहनाती है और उनके पैर छूने के लिए झुकती है। नीचे झुकते वक्त धनु अपने बॉम्ब जैकेट के सबसे पहले तो पीछे वाले बटन को दबाती है और फिर आगे वाले बटन को दबाती है, और तभी एक जोरदार धमाका होता है जिससे यहाँ की धरती ही हिल जाती है। इस विस्फोट के बाद चारों ओर आग और धुआं फैल जाता है। इससे ग्राउंड में हाहाकार और भगदड़ मच जाती है, और कुछ देर बाद जैसे ही रेड कार्पेट एरिया में धुआं कम होने लगा तो चारों तरफ खून और लाशें दिखने लगी। इस ब्लास्ट में कोकिला, कोकिला की माँ, मरागथम, धनु, पुलिसकर्मी और सुरक्षा अधिकारियों के साथ राजीव गांधी के शरीर के टुकड़े बिखरे पड़े थे। यहाँ 15 लोग मारे जा चुके थे और 40 से ज्यादा लोग सीरियसली इंजर्ड थे। वहीं इस हरिबाबू के कैमरा में लास्ट के कुछ पलों की ये 10 पिक्चर्स थी। देश में इतना बड़ा हादसा हुआ, एक पूर्व प्रधानमंत्री को पुलिस वालों के सामने सुसाइड बॉम्बर्स ने जान से मार दिया। पर उस 21 मई 1991 की दहशतगर्द रात को पूरा भारत सिर्फ एक ही सवाल से जूझ रहा था, राजीव गांधी को किसने मारा और क्यों मारा। आज की इस वीडियो में 3D एनिमेशन की मदद से इस असैसिनेशन की पूरी प्लानिंग को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और ये भी देखेंगे कि इंडियन एम्बेसी में उस शाम 4 बजे जो कॉल आया था उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया गया। लेकिन हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। देखो, ये है अपना भारत और ये रहा श्रीलंका। श्रीलंका को आजादी साल 1948 में मिली थी, तो ऑब्वियस सी बात हुई कि उससे पहले यहां ब्रिटिशर्स का राज चलता था। अब श्रीलंका के मैप को एकदम केयरफुली समझो। ब्रिटिशर्स के टाइम श्रीलंका के इस हाईलाइटेड एरिया में तमिल रहते थे और इस रिमेनिंग लैंड में सिन्हलीज यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। वीडियो में इसी जगह पर यह बात भी आपको 100% क्लियर हो जानी चाहिए कि राजीव गांधी की मौत का कारण इन तमिल और सिन्हलीज लोगों के बीच की लड़ाई ही थी। कैसे क्या हुआ था आगे इस वीडियो में आपको और क्लियरली पता चलेगा। खैर, मैप में ध्यान से देखो, ये है श्रीलंका और इंडिया के सदर्न साइड में ये है तमिलनाडु। श्रीलंका को आजादी मिलने से पहले यहाँ के खेतों में काम करने के लिए भारत के तमिलनाडु से तमिल स्पीकिंग वर्क फोर्स को श्रीलंका में लाया जाता था। इसको इस तरह से समझो कि इंडिया के यूपी बिहार से लोग हरियाणा पंजाब में काम करने के लिए आते हैं और हरियाणा पंजाब वाले विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं। इसी तरह तमिलनाडु से लोग काम के लिए श्रीलंका जाते थे और श्रीलंका में इनको इंडियन तमिल्स कहा जाता था। वहाँ पर पहले से रह रहे तमिल्स को श्रीलंकन तमिल कहा जाता था। श्रीलंका में मौजूद श्रीलंकन तमिल्स अलग हैं और इंडियन तमिल्स अलग हैं। उस टाइम श्रीलंका में तमिल्स यानी हिंदुओं की पॉपुलेशन सिर्फ 23% ही थी और सिन्हलीज यानी बौद्धों की पॉपुलेशन 70% थी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ये सारा मामला तमिल वर्सेस सिन्हलीज का ही था, लेकिन ये पूरी कहानी सिर्फ इन लोगों की लड़ाई की नहीं है, इसमें और भी ज्यादा अनबिलीवेबल ट्विस्ट है। अब जब श्रीलंका को आजादी मिली तो उस समय गवर्नमेंट पोस्ट पर ज्यादातर लोग तमिल थे और तमिल लोगों ने अपनी मेहनत के बलबूते पर ये मुकाम हासिल किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिन्हलीज लोगों को यानी कि बौद्ध कम्युनिटी के लोगों को ये डर था कि कहीं तमिलियंस उन पर ओवर पावर ना कर दें, यानी कि वो कहीं उनके मालिक ना बन जाएं। इसलिए 1948 में श्रीलंका को आजादी मिलने के बाद सिन्हलीज गवर्नमेंट ने
तमिल लोगों को साइडलाइन करने के लिए काफी सारे अनवाइज्ड डिसीजंस लिए, जैसे सबसे पहले इंडिया से माइग्रेटेड तमिल्स के वोटिंग राइट्स छीन लिए, इंग्लिश की जगह सिन्हाला लैंग्वेज को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, सिन्हालीज स्टूडेंट्स को एजुकेशनल रिजर्वेशन दे दिया, और कुछ साल बाद 1972 में एक नया संविधान लागू करके देश का प्राइमरी रिलीजन बुद्धिज्म अनाउंस कर दिया एक्सेट्रा। सिन्हालीज कम्युनिटी ने श्रीलंका में ओवरऑल ये सिचुएशन कर दी कि तमिलियंस का वजूद ही खत्म हो जाए, और अगर तमिलियंस इन अनफेयर डिसीजंस के खिलाफ आवाज उठाते थे तो श्रीलंकन गवर्नमेंट श्रीलंका के तमिल रीजन्स में मिलिट्री लगा देती थी और आवाज उठाने वालों के साथ बलात्कार करके उनके पूरे परिवार को गोली मार दी जाती थी। तमिलियन लोगों पर इन सभी अत्याचारों के चलते इस असल कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे बंदे की जिसने राजीव गांधी की हत्या करवाई, जिसने जाफना डिस्ट्रिक्ट के मेयर को गोलियों से भून दिया और जिसने श्रीलंकन गवर्नमेंट और सिन्हालीज लोगों से लड़ने के लिए एक रेबेल ग्रुप बनाया, लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। और ये बंदा जिसकी अपन बात कर रहे हैं, जिसने लिट्टे बनाया, वो है ये वेलुपल्लई प्रभाकरण। देखो ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि अगर इसे आप कहानी में घुस के समझने की कोशिश करोगे तो काफी ज्यादा डिफिकल्टी होगी, और अगर मेरे एक पर्सनल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। इस 3D मैप में ये जितना भी रेड कलर का एरिया आपको दिख रहा है, ये वो एरिया है जिसमें तमिलियंस रहते थे, और तमिलियंस की तरफ से लड़ कौन रहा था, लिट्टे, और लिट्टे का हेड कौन था, ये प्रभाकरण। सिमिलरली इस मैप में ये जो व्हाइट एरिया आपको दिख रहा है, ये वो एरिया है जिसमें सिन्हालीज यानी बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, और सिन्हालीज लोगों की तरफ से कौन लड़ रहा था, ऑब्वियसली श्रीलंकन गवर्नमेंट, और इस साइड में लीडर कौन हुआ, श्रीलंकन आर्मी का हेड। तो बेसिकली मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लड़ाई अपने अपने वजूद के लिए प्रभाकरण और श्रीलंकन आर्मी के हेड के बीच की है, या यूं भी कह सकते हो कि लिट्टे वर्सेस श्रीलंकन आर्मी की है। अब यहाँ लिट्टे अपने हक की लड़ाई तो लड़ ही रहा था, लेकिन उसके अलावा उसकी एक बहुत डेंजरस डिमांड ये भी थी कि श्रीलंका के दो टुकड़े हो जाएं, जिसमें से जितना भी तमिल लोगों का एरिया था वो अपना एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए, तमिल ईलम। लिट्टे के फुल फॉर्म को भी अगर दोबारा देखोगे तो इसमें भी आपको नोटिस होगा लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। खैर जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ, लिट्टे के फॉर्मेशन के बाद श्रीलंका में रहने वाले तमिल लोग तो सेफ हो गए, लेकिन लिट्टे और श्रीलंकन गवर्नमेंट में ऐसा युद्ध हुआ जो सोच से भी परे था। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को जितना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे उतना ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। दूसरे ग्रुप्स की फीमेल्स के साथ रेप कर दिए जाते थे, हजारों लोगों की जाने भी गईं, और एक समय ऐसा आ गया जब इंडिया में मौजूद जो तमिल लोग थे उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट पर दबाव बनाना शुरू किया कि श्रीलंका में जो सिविल वॉर चल रहा है उसमें इंडियंस भी सफर कर रहे हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट को श्रीलंका के मैटर में इंटरफेयर करना चाहिए। यहां इस बात को भी अच्छे से समझना कि इसी दौरान इंदिरा गांधी को उनके बॉडीगार्ड्स ने जान से मार दिया था, और सिर्फ 40 की एज में राजीव गांधी नए नए देश के प्रधानमंत्री बने थे, द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि इसी प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर मैंने इंदिरा गांधी हत्याकांड की 3D एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म पब्लिश कर रखी है, वो भी जरूर देखना। खैर तमिल लोगों की डिमांड्स को मद्देनजर रखते हुए उस समय के भारत के प्रधानमंत्री ये डिसाइड करते हैं कि वो तमिल लोगों की मदद करेंगे। इसी समय राजीव गांधी ने इन श्रीलंकन तमिलियन की हेल्प के लिए इंडिया से श्रीलंका कुछ बिना हथियारों वाली इंडियन नेवी शिप से कई टन खाना और दवाइयां भेजी, लेकिन श्रीलंकन नेवी ने इन सभी शिप्स को वापस मोड़ दिया। इसके दो दिन बाद दिल्ली स्थित श्रीलंकन हाई कमीशन को इन्फॉर्म किया गया कि इंडियन एयरफोर्स श्रीलंका के तमिल बहुल एरिया में ऑपरेशन पूमलाई करने जा रही है, जिसमें इंडिया की तरफ से वॉर सर्वाइवर्स के लिए खाना और मेडिकल चीजें ड्रॉप की जाएंगी। अगर अब की बार श्रीलंकन फोर्सेज ने रोका तो भारत इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। अब इंडिया से 5 मिलिट्री एयरक्राफ्ट में लगभग 25 टन फूड एंड मेडिसिन, इन 4 मिराज फाइटर जेट के एस्कॉर्टिंग के साथ नॉर्थ श्रीलंका में एयर ड्रॉप किया जाता है, और इंडियन गवर्नमेंट सख्ती से श्रीलंकन गवर्नमेंट को तमिलियंस पे हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए बोलती है। यहाँ आपको बता दूं कि इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड एकदम क्लियर था कि श्रीलंका में तमिल्स को उनका हक मिले और ये सिविल वॉर खत्म हो। अब जैसे ही इंडिया ने ऑपरेशन पूमलाई किया, वैसे ही श्रीलंका बोला कि इस पूरे सिविल वॉर के मामले में हम इंडिया से बातचीत करना चाहते हैं। इस मामले में बातचीत के लिए इंडियन पीएम राजीव गांधी श्रीलंका की कैपिटल में पहुंचते हैं, यानी कि यहां कोलंबो में पहुंचते हैं। इस सीन को अच्छे से समझ लो। आज दिन है 29 जुलाई 1987 का। ये श्रीलंकन प्रेसिडेंट जय आर जयवर्धने हैं और ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी हैं। इन दोनों के सामने ये जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, ये इंडिया श्रीलंका पीस अकॉर्ड है। आसान भाषा में समझाऊं तो ये एक ऐसा शांति समझौता है जिसकी बेसिकली दो डिमांड्स हैं। सबसे पहले डिमांड तो ये कि श्रीलंकन गवर्नमेंट श्रीलंका के तमिल्स को उनके राइट्स और सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगी, लेकिन बदले में श्रीलंका में मौजूद सभी तमिल मिलिटेंट्स ग्रुप को अपने हथियार डालने होंगे, या यूं कह लो कि लिट्टे को अपने हथियार डालने होंगे। लेकिन यहां एक छोटा सा ट्विस्ट है। सबको पता था कि इतनी मारकाट होने के बाद और इतनी जाने गंवाने के बाद लिट्टे इतनी आसानी से तो हथियार सरेंडर करने नहीं वाला, इसलिए आज पीस अकॉर्ड
साइन करने से दो दिन पहले ही यानी 27 जुलाई को ही राजीव गांधी ने लिट्टे हेड प्रभाकरण को दिल्ली में एक मीटिंग के लिए बुला लिया था, जिसमें राजीव गांधी ने प्रभाकरण को समझाया कि ऐसे ऐसे दो दिन बाद शांति समझौता पे साइन किया जाएगा तो मान जाना। प्रभाकरण ने पहले तो थोड़ी सी नानुकर की, लेकिन उसके बाद वो समझौते के लिए मान जाता है। अब आज यानी 29 जुलाई 1987 को इधर श्रीलंका के कोलंबो में समझौते पर साइन हो गए हैं। लेकिन यहां आपको एक बात बता दूं कि कोलंबो में पिछले कुछ दिनों से ब्रूटल राइड्स हो रहे हैं, लेकिन ये राइड्स आज इतने ज्यादा वायलेंट हो गए हैं कि दंगाइयों ने श्रीलंका के प्रेसिडेंट जय आर जयवर्धने के घर का एक पार्ट जला दिया। अब इस राइड को रोकने के लिए प्रेसिडेंट जयवर्धन ने राजीव गांधी से कहा कि वो श्रीलंकन फोर्सेस को श्रीलंका के इन तमिल एरियाज में से यहां कोलंबो वापस बुलाना चाहते हैं और साथ में इंडियन पीएम राजीव गांधी से इंडियन फोर्सेस का सपोर्ट मांगते हैं। अब आर्मी सपोर्ट के लिए पीएम राजीव गांधी तैयार हो जाते हैं और मात्र 6 घंटे में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी कि IPKF इंडिया से श्रीलंका आ जाती है। ये बात सुनने में आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि राजीव गांधी का ये बहुत ही बचकाना डिसीजन था। अगर आप भी इसको अच्छे से विजुलाइज करोगे तो आई एम श्योर आपको भी कुछ ऐसा ही फील होगा। देखो, ओवरऑल ये लड़ाई बस इस बात की थी कि श्रीलंकन आर्मी वर्सेस लिट्टे की लड़ाई चल रही थी। शांति समझौता साइन करते वक्त जो कोलंबो में राइड्स हुए उनका समाधान करने के लिए श्रीलंकन आर्मी वापस कोलंबो आ गई और खुद के बदले लिट्टे के सामने किसको खड़ा कर दिया? IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। अब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में कौन है? इंडियंस। लिट्टे में भी कुछ मात्रा में कौन है? इंडियन तमिल्स यानी इंडियंस। अब राजीव गांधी के इस एक डिसीजन की वजह से भारतीय नागरिक ही भारतीय नागरिक के सामने लड़ने के लिए खड़ा हुआ था। यहां से एक बहुत बड़ी चीज हमको यह भी सीखने को मिलती है कि देश के प्रधानमंत्री के पास एक्सट्रीम डिप्लोमेटिक समझ होना कितना ज्यादा जरूरी है। एक गलत डिसीजन और हजारों लोगों की मौत। एनीवेज, उस पीस अकॉर्ड साइन के अगले दिन यानी 30 जुलाई 1989 को श्रीलंका में राजीव गांधी को श्रीलंकन फोर्सेस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था, तभी अचानक से एक सेलर राजीव गांधी पर अपनी राइफल से बट अटैक कर देता है, यानी राजीव गांधी बाल बाल बचते हैं। ये पहली बार था जब किसी श्रीलंकन ने राजीव गांधी पर अटैक किया था। अनफॉर्चुनेटली इस केस में भी यही हुआ। लिट्टे ने हथियार डालना शुरू तो किया, लेकिन समय के साथ IPKF और लिट्टे के रिलेशंस इस कदर बिगड़ गए कि दोनों तरफ से खतरनाक युद्ध हुआ और हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई, इंक्लूडिंग इंडियन सोल्जर्स। अब नो डाउट लिट्टे और IPKF वाले आपस में लड़ रहे थे, लेकिन इस असल कहानी में एक और अनबिलीवेबल ट्विस्ट तब आया जब श्रीलंका में हुए इलेक्शंस में रणसिंघे प्रेमदासा नए प्रेसिडेंट बनते हैं। प्रेमदासा जैसे ही प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने लिट्टे से ही हाथ मिला लिया। पिछले 2 सालों में लड़ लड़के IPKF ने लिट्टे को ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था। अब मरता क्या ना करता, लिट्टे ने भी प्रेमदासा के शांति प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया और श्रीलंकन गवर्नमेंट से हाथ मिला लिया। लेकिन 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 प्रभाकरण इस लेवल का चंट आदमी था, उसने शांति समझौता एक्सेप्ट करते वक्त प्रेमदासा के आगे एक शर्त भी रख दी, और वो शर्त ये है कि पहले IPKF को श्रीलंका से निकालो। इससे अब श्रीलंकन प्रेसिडेंट प्रेमदासा IPKF को श्रीलंका छोड़ने के ऑर्डर दे देते हैं। इधर अपने इंडिया में भी इलेक्शन होते हैं, राजीव गांधी इलेक्शन हार जाते हैं और नई सरकार बनती है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद से हट जाते हैं और देश के नए प्रधानमंत्री बनते हैं जन मोर्चा पार्टी के विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि वीपी सिंह। अब इंडिया में वीपी सिंह की सरकार IPKF को मार्च 1990 में वापस इंडिया बुला लेती है। अब तक IPKF ने श्रीलंका में अपने 1248 सोल्जर्स खो दिए थे और 1000 करोड़ इंडियन रुपीस से ज्यादा ऐसे युद्ध में खर्च किए जो हमारा था ही नहीं। बात साल 1991 की है, सब कुछ सही चल रहा था और लिट्टे की सबसे बड़ी दुश्मन यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानी IPKF वापस भारत आ चुकी थी। तभी एक दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव गांधी ने एक ऐसी बात बोल दी जो आगे चलकर उनकी मौत का कारण बनी। राजीव गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि राजीव गांधी की सरकार अगर वापस पावर में आती है तो वो IPKF को फिर से श्रीलंका भेजेंगे। अब जैसे ही प्रभाकरण ने रेडियो पर ये बात सुनी उसका खून खौलने लगा। ये आज का ही दिन था जब प्रभाकरण ने ये ठान लिया कि इससे पहले कि राजीव गांधी इलेक्शन जीत के दोबारा पावर में आए उनका असैसिनेशन करना ही पड़ेगा। फॉलोइंग दिस प्रभाकरण ने लिट्टे के इंटेलिजेंस विंग के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए लिट्टे के 9 मेंबर्स जिसमें शिवराजन, सुसाइड बॉम्बर धनु, सुभा और बॉम्ब एक्सपर्ट मुरुगन भी शामिल थे, इन सबको मई 1991 में एक शिप के थ्रू श्रीलंका से भारत के तमिलनाडु में भेजा जाता है। आगे ये सभी चेन्नई में इस भाग्यनाथ के घर आते हैं। यहाँ आपको बता दूं कि भाग्यनाथ अपनी माँ पद्मा और अपनी बहन नलिनी के साथ रहता है और अपनी प्रिंटिंग प्रेस में लिट्टे के पोस्टर्स और बुक्स प्रिंट करता है। इस पूरे असैसिनेशन का मास्टरमाइंड ये बंदा था शिवराजन। शिवराजन ने राजीव गांधी की हत्या के लिए कई प्लान्स बनाए थे। एक प्लान था नारियल बॉम्ब फेंककर अटैक करना, दूसरा था स्नाइपर अटैक करना और तीसरा प्लान जो फाइनलाइज किया गया वो था सुसाइड बॉम्बर से अटैक में उड़वाना। सुसाइड बॉम्बर्स के लिए इन 3 कैंडिडेट्स को चुना गया था, सुभा, धनु और सोनिया। बॉम्ब जैकेट नलिनी के हस्बैंड मुरुगन ने बनाई थी। मास्टरमाइंड शिवराजन ने सोनिया को दिल्ली भेज दिया क्योंकि राजीव गांधी दिल्ली रहते थे तो सोनिया वहां पर राजीव गांधी को मारने के सब अरेंजमेंट्स के लिए गई थी। लेकिन दिल्ली में राजीव गांधी को मारना लास्ट ऑप्शन था क्योंकि इस प्लानिंग के दौरान इन सभी लिट्टे मिलिटेंट्स को राजीव गांधी की
श्री पेरम्बदूर रैली के बारे में पता चल गया था। तो अब शिवराजन इन दो सुसाइड बॉम्बर्स धनु और सुभा को यही चेन्नई में ही रोक लेता है। इस समय यानी मई 1991 में इंडिया में इलेक्शन होने वाले हैं। अब चुनाव प्रचार के दौरान शिवराजन की टीम ने राजीव गांधी की हत्या के रिहर्सल का प्लान बनाया, जिसमें ये सभी देखना चाहते हैं कि देश की एक्स पीएम की सिक्योरिटी कैसी होती है और एक्स पीएम तक कैसे पहुंचा जा सकता है। इस समय वीपी सिंह भी प्रधानमंत्री नहीं थे, उनकी सरकार भी गिर चुकी थी। अब शिवराजन, धनु, सुभा और नलिनी एक्स पीएम वीपी सिंह को माला पहनाने के लिए उनकी चेन्नई रैली में आते हैं। यहाँ पर धनु और सुभा वीपी सिंह को माला पहना देती है, लेकिन नलिनी जो यहाँ इस मोमेंट की फोटो खींचने आई थी वो इस समय नर्वस हो जाती है और फोटो नहीं खींच पाती है। ये सब देख के इस प्लान का मास्टरमाइंड बहुत गुस्सा करता है। इस रिहर्सल से इन लिट्टी मिलिटेंट्स को सिक्योरिटी से लेकर एक्स पीएम राजीव गांधी के पास कैसे पहुंचना है इसका अंदाजा लग गया है। अब 21 मई 1991 यानी राजीव गांधी के जीवन के आखिरी दिन ये धनु और सुभा अपने बॉम्ब वेस्ट पहनती हैं। इसके बाद ये पांचों शाम को चेन्नई से श्री पेरम्बदूर में राजीव गांधी की रैली को अटेंड करने के लिए इस ग्राउंड में पहुंचते हैं। यहां आपको बता दूं कि शिवराजन हरि बाबू को आज 50,000 रुपए देके यहां लाया है ताकि ये राजीव गांधी के असैसिनेशन की फोटोज ले सके। यहां शिवराजन और हरि बाबू पत्रकारों के वेश में आए हैं। अब ये पांचों यहाँ की इतनी सिक्योरिटी को देखकर थोड़ा नर्वस होने लगते हैं, लेकिन आज इनका इरादा राजीव गांधी को मारने का है, इसलिए शिवराजन और हरिबाबू आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इनकी चेकिंग के बाद इनको इस रेड कार्पेट एरिया में एंट्री दे दी जाती है, लेकिन इन फीमेल सुसाइड बॉम्बर्स को पकड़े जाने का डर होता है, इसलिए ये तीनों इधर इस सेक्शन में जनता के साथ आकर खड़ी हो जाती है। लेकिन नलिनी और सुभा जल्द ही उम्मीद छोड़ देती है और ये दोनों ग्राउंड में इधर इस फीमेल सेक्शन में आके बैठ जाती है, पर धनु अब भी यही इस रेड कार्पेट एरिया के पास ही वेट करती रहती है। अब धीरे धीरे इस पूरे ग्राउंड में भीड़ लगती है। यहाँ इस भीड़ में खड़े लोगों को जैसे ही पता चलता है कि रेड कार्पेट एरिया में खड़े हुए लोग राजीव गांधी से पर्सनली मिलकर उनका वेलकम करेंगे, तो इस भीड़ से काफी लोग एजे डॉस से मिलते हैं और राजीव से पर्सनली मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। यहाँ आपको बता दो कि अब तक इस रेड कार्पेट एरिया में ये 21 मेल और ये दो फीमेल्स हैं जो राजीव से पर्सनली मिलेंगे, लेकिन अचानक से यहाँ काफी ज्यादा भीड़ भरने से इस सेक्शन में खड़ी धनु भीड़ का फायदा उठाकर रेड कार्पेट एरिया में इन दो फीमेल के पीछे आके खड़ी हो जाती है। अब पुलिस भीड़ को कंट्रोल करती है और इन एक्स्ट्रा लोगों को यहाँ से निकालती है। इतने में राजीव गांधी यहाँ पहुँचते हैं और धनु उनको माला पहनाकर राजीव के पैर छूने के बहाने नीचे झुकती है और अपने लेफ्ट साइड में लगे इस बटन को प्रेस करती है। इससे यहाँ एक पल के लिए बारूद जलने जैसी आवाज आती है और अगले ही पल यहाँ कोहराम मच जाता है। इस ब्लास्ट में ये हरि बाबू भी मारा जाता है, लेकिन इसका ये कैमरा जिसमें राजीव गांधी के असैसिनेशन की ये 10 फोटोज खींची थी, इन फोटोज के और कुछ दूसरी लीड्स के आधार पर शिवराजन, सुभा, नलिनी और कई लिट्टे मिलिटेंट्स को पकड़ने के लिए तमिलनाडु में रेड की जाती है, लेकिन इनमें से ज्यादातर लिट्टे मिलिटेंट्स आत्महत्या कर लेते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि श्रीलंका में शांति के लिए जो समझौता भारत के मीडिएशन से लिट्टे और श्रीलंकन गवर्नमेंट में होना चाहिए था, वो समझौता राजीव गांधी ने खुद करके अपनी मौत को बुलावा दिया। और रही बात उस दिन एम्बेसी में आए हुए कॉल की, तो आपको बता दूं कि ऐसे धमकी भरे कॉल्स एम्बेसी में आए दिन आते रहते थे, तो इस कॉल को एक फेक कॉल समझकर इग्नोर कर दिया गया था। खैर, इंडिया में डीप फेक फ्रॉड्स दिन पे दिन बढ़ रहे हैं और इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि डीप फेक फ्रॉड से एग्जैक्टली बचना कैसे है। क्लिक करो और जरूर देखो।